चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं भारतीय संविधान और भारत का राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन एवं शक्तियों का विनियमन करने के लिए विधि बनाने की शक्ति किसे है? संसद को। अगला है, भारत में निर्वाचित आयोग किसके लिए चुनाव करता है? संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति पद के लिए। अगला है, किसके लिखित निर्णय की प्राप्ति पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की। अगला है, राज्यपाल विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? एक। अगला है, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है, जिसे कहते हैं प्रखंड विकास अधिकारी। अगला, संविधान के किस अंश में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की विस्तार से चर्चा हुई है? राष्ट्र नीति के दिशा सूचक सिद्धांत। अगला है, भारत में नई अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को। अगला है, कौन सा मौलिक अधिकार बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवाद का निपटारा करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, उसका है प्रारंभिक अधिकार। अगला है, संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति। अगला है, एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। अगला है, भारत के मूल संविधान में अनुच्छेदों तथा अनुसूचियों की संख्या बताइए। तो याद रखिए, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। अगला है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में? उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। अगला है, नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक है? राष्ट्रपति की। अगला है, मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय या नहीं? प्रवर्तनीय है। अगला है, मौलिक अधिकारों का निलंबन किस स्थिति में होता है? युद्ध या बाह्य आक्रमण, दोनों परिस्थितियों में। अगला है, क्या उपराष्ट्रपति महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? नहीं। अगला है, राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है, यह कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है? 213 राष्ट्रपति 123 के तहत और राज्यपाल 213 के तहत। अगला, संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। अगला है, लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जाति के लिए 78, अनुसूचित जनजाति के लिए 42। अगला है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम का निषेध करता है? अनुच्छेद 24। अगला है, संविधान की उद्देश्य क्या में विस्तृत प्रबुद्ध संपन्न शब्द का क्या तात्पर्य है? भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है और प्रबुद्ध संपन्न भारत की जनता में निहित है। अगला है, संविधान सभा ने प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा था? वह परामर्श समिति समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करे और फिर संविधान को विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करे। अगला है, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश राज कुल का एक उपनिवेशिक राज्य। अगला है, भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित की जाती है? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। अगला है, कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्य को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग। अगला है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा किस तिथि को की थी? 20 फरवरी 1947 को। अगला है, किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के अनुसार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 3 के अनुसार। अगला है, 71वें संशोधन के बाद किन किन राज्य संघ राज क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया? पांडिचेरी और दिल्ली। अगला है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 85।
अगला है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? एक वर्ष के लिए। अगला है, किन परिस्थितियों के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशक्त विद्रोह। अगला है, जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के भीतर उसे विधेयक पर कार्यवाही करना आवश्यक है? कोई समय सीमा नहीं है। अगला है, 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव होने तक भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालक शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। अगला है, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? नहीं। अगला है, संविधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किसी सदन में पेश किया जाता है? तो यह किसी भी सदन में। अगला है, संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने के सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस बाद में प्रतिपादित किया? केशवानंद भारती वाद 1973 में। अगला है, सरकारी आय व्यय का वार्षिक बजट किसकी ओर से प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति। अगला है, किस राज्य के प्रधान को प्रारंभ में सदर रियासत कहा जाता था? जम्मू कश्मीर को। अगला है, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के प्रशासकीय समन्वय का कार्य कौन करता है? मंत्रिमंडल सचिवालय। अगला है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से किसी विवाद पर संवैधानिक सलाह लेता है? तो अनुच्छेद 143। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग कितनी बार लगाया गया? एक बार। अगला है, राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्षों के लिए। अगला है, संसद के अवकाश काल में राष्ट्रपति किसकी पूर्व स्वीकृति से अध्यादेशों को जारी कर सकता है? मंत्री परिषद की सहमति से। अगला है, भारत के संविधान में कृषि को किस सूची में रखा गया? राज्य सूची में। अगला है, लोकसभा की नियम समिति का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला है, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों को बंटवारा संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसी व्यवस्था की गई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 में। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 360 के आधार पर। अगला है, भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो याद रखिए, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस प्रकार की स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है? प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का। अगला है, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय प्रावधान है? तो 10वीं अनुसूची में। अगला है, आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है? एक बार में 1 वर्ष के लिए। अगला है, भारतीय संविधान के किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है, संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा गया? परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करके संविधान को विचार के लिए संविधान सभा में समक्ष प्रस्तुत करना। अगला है, संविधान सभा का अंतिम दिन था 24 जनवरी 1950। अगला है, विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया? अनुच्छेद 14 में। अगला है, राज्य पाल पद ग्रहण करने के से पूर्व किसके समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। अगला है, राज्य के निम्न सदन को कहा जाता है विधानसभा। अगला है, राज्य विधानसभा में कुल कितने सदस्य होंगे? यह किस अवयव पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या पर। अगला है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए समाविष्ट किया है? अनुच्छेद 51। अगला है, भारत के संविधान में सार्वजनिक आदेश पद का समावेश है संवर्ती सूची में। अगला है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने का अधिकार केवल किसमें निहित है? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 का संबंध किससे है? तो अल्पसंख्यकों की शिक्षा
संस्थानों की स्थापना तथा उनके प्रबंधन के अधिकार से बंगला सरकार द्वारा किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करे का क्या तात्पर्य है? बाद में केंद्रीय सहायता की अधिक प्रतिशतता सहायता अनुदान के रूप में होगी। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण, वन तथा अन्य जीवन की सुरक्षा का अधिकार मिला है? अनुच्छेद 48(1) के अंतर्गत। अगला है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की उद्घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर मिलने पर ही की जा सकती है? किसी संविधान संशोधन के पश्चात इसे संविधान में जोड़ा गया? तो याद रखिए 44वें संविधान संशोधन के पश्चात। अगला है, किसी संविधान संशोधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि जब दोनों सदनों द्वारा पारित कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के सम्मुख पेशित किया जाएगा तब राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकता है? तो याद रखिए 24वें संशोधन 1971 में। अगला है, मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख था? 20। अगला है, दादर और नगर हवेली भारत में शामिल होने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? पुर्तगाल के। अगला है, भारत राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? 35 वर्ष।